इस दुनिया में बहुत सारी किताबें मौजूद हैं जो हमें ये बताती हैं कि किस तरह से हम अपने आप को इफेक्टिव बना सकते हैं, लेकिन शायद एक ही किताब ऐसी है जिससे हमें ये पता चल पाता है कि किस तरह से हम इफेक्टिवनेस से महानता का सफर तय कर सकते हैं। खुद को महान बनाना कोई आसान काम नहीं है, इसके लिए आपको बहुत ज्यादा मेहनत और डेडिकेशन की आवश्यकता होने वाली है। स्टीफन आर कोवी की लिखी ये बुक द 8th Habit फ्रॉम इफेक्टिवनेस टू ग्रेटनेस हमें वो रास्ता दिखाती है जिसकी हेल्प से हम इफेक्टिवनेस से महानता का सफर तय कर सकते हैं। इस किताब से हम समझ पाएंगे कि एक इफेक्टिव इंसान और एक महान इंसान में मुख्य तौर पर क्या अंतर होता है, आखिर वो कौन से लोग होते हैं जिन्हें दूसरे लोग एक लीडर के रूप में देखते हैं, उन्हें फॉलो करने की कोशिश करते हैं और उनकी तरह बनने की कोशिश करते हैं। इस बुक में हम जान पाएंगे कि अगर हमें अपने जीवन में कुछ बड़ा हासिल करना है और कुछ अलग करके दिखाना है तो उसके लिए जरूरी है कि हम अपने अंदर की आवाज को पहचाने। न सिर्फ हम खुद को मोटिवेट करें बल्कि दूसरों को भी इस चीज के लिए मोटिवेट करें कि वो अपने अंदर की आवाज को पहचान कर अपना बेस्ट देने की कोशिश करें। क्या आपको पता है कि हम जो कर रहे हैं और हम जो कर सकते हैं, इन दोनों चीजों के बीच में जो डिफरेंस है, वो डिफरेंस ही इस दुनिया की बहुत सारी समस्याओं का जवाब लेकर आ सकता है। The 8th Habit बुक उन लोगों के लिए है जो कोशिश करने पर भी कामयाबी हासिल नहीं कर पा रहे हैं, और ये बुक उन लोगों के लिए है जो अपने साथ काम करने वाले लोगों के अंदर की क्रिएटिविटी को बाहर लाना चाहते हैं और जो अपनी ऑर्गेनाइजेशन को आगे ले जाना चाहते हैं, अपने बिजनेस को बड़ा करना चाहते हैं। हमें से हर कोई सोचता है कि काश मैं भी दूसरों की तरह कामयाबी हासिल कर सकता। कुछ लोगों का मानना है कि चाहे कितनी भी कोशिश कर लें, उन्हें कभी अच्छे परिणाम नहीं मिलते, और अगर आपके साथ ऐसा है तो आपको 8वीं आदत अपनाने की जरूरत है। अपने अंदर की आवाज को सुनना और उसके हिसाब से काम करना ही 8वीं आदत है। अगर आप दूसरों के हिसाब से काम करते हैं तो आप अपनी जरूरतों और अपने काम करने के तरीकों के बारे में नहीं जान पाएंगे। यही वजह है कि आप बार बार नाकामयाब हो रहे हैं। इस बुक में हम जानेंगे कि सिर्फ अपने बारे में सोचना ही बुद्धिमानी नहीं है। अगर किसी इंसान को एक अच्छा लीडर बनना है तो उस इंसान को दूसरों को साथ लेकर आगे बढ़ना होगा। इस बुक के अंदर हमें एक अच्छे लीडर होने की बहुत सारी क्वालिटीज के बारे में जानने का मौका मिलेगा, और साथ ही हम ये भी समझ पाएंगे कि किस तरह से वो सारी क्वालिटी हम अपने अंदर डेवलप कर सकते हैं। महात्मा गांधी जैसी बड़ी पर्सनैलिटी के बारे में सुनकर हम समझ पाएंगे कि किस तरह उन्होंने अपने जीवन में वो चीजें हासिल करी जिसके कारण उन्हें बाद में महान हस्ती के रूप में देखा जाने लगा। हमें इस बुक में पता चलेगा कि कोई भी इंसान एक रात में सफलता हासिल नहीं कर सकता, उसके लिए सालों की मेहनत और डेडिकेशन की आवश्यकता होती है। सफलता हासिल करने के लिए आपको बहुत सारे अलग अलग फेज से होकर गुजरना पड़ता है, और समरी में हमें यह पता चलेगा कि हर फेज में हम किस तरह से अपने आप को साबित कर सकते हैं। इसके अलावा हम ये भी जानेंगे कि एक ऑर्गेनाइजेशन या फिर किसी बड़ी कंपनी को सफल बनाने के लिए किस चीज की आवश्यकता पड़ती है। बहुत से लोग अपने ड्रीम्स पर गिव अप कर देते हैं, यानी कि वो हार मान लेते हैं, क्योंकि उनको अपने ड्रीम्स तक का रास्ता बहुत हार्ड लगने लगता है। कई स्टूडेंट्स तो ऐसे हैं जो सिर्फ एक टेस्ट में फेल हो जाने की वजह से अपने ड्रीम्स को चेज करना ही छोड़ देते, लेकिन सच तो यह है कि उन्होंने कभी अपना फुल एफर्ट लगाया ही नहीं। जिस टेस्ट में वो फेल हुए उसमें भी उन्होंने अपना बेस्ट परफॉर्म नहीं किया। ऐसा इसलिए क्योंकि उन्होंने अपने दिमाग में पहले से ही ये सोच बना ली होती है कि टेस्ट बहुत हार्ड है और वो उसको पास नहीं कर सकते। ऐसे स्टूडेंट्स खुद में बिलीव करना ही छोड़ देते हैं, और एक बार आपके अंदर का बिलीव खत्म हो गया तो समझ जाइए कि आपका ड्रीम भी खत्म हो गया। इसीलिए अगर आपका कोई ड्रीम है तो उसे हासिल करने के लिए वो सब करें जो आपको करना पड़े। कभी भी अपने ऊपर बिलीव करना ना छोड़ें। हमारी पूरी लाइफ ही एक टेस्ट की तरह, हम कई बार फेल होंगे, लेकिन अगर हम कोशिश करना छोड़ दें तो वो सबसे ज्यादा बुरा होगा। कभी भी कोशिश करने से पीछे नहीं हटें, अपने ड्रीम को अचीव करने के लिए डटे रहें। आपका जो भी ड्रीम है उसको अचीव करने के लिए अपनी पूरी एनर्जी इन्वेस्ट करें, अपने आप को अपने ड्रीम्स की तरफ पुश करते रहें। अगर आपको अपनी लाइफ में कुछ ऐसा करना है जो आपने कभी नहीं किया तो आपको उसके लिए कुछ अलग भी करना पड़ेगा। एक बार बिल गेट्स से किसी ने एक सवाल किया कि वो कौन सी सुपर पावर है जो वो अपने अंदर लाना चाहते हैं, तो उनका जवाब था
उनके अंदर अगर बुक्स को जल्दी रीड करने की सुपर पावर हो तो वो बेस्ट होगा। सक्सेस का मतलब ये नहीं कि आपके पास बहुत पैसा है या बहुत फेमस है। सक्सेस का असली मीनिंग है अपने आप का बेस्ट वर्जन बनाना। चैप्टर वन, अपने अंदर की आवाजों को सुनिए। अगर कोई इंसान अपने आसपास के वातावरण पर ध्यान देगा तो उसको अलग अलग तरीके के लोग नजर आएंगे जो कि अलग अलग तरीके की परेशानियों से घिरे हुए होंगे। आपने अपने आसपास मौजूद लोगों से कुछ इस तरह की बातें जरूर सुनी होंगी। मैं फंस चुका हूं, मुझे इन सब चीजों से बाहर निकलना है। कोई दूसरा इंसान मेरी वैल्यू नहीं करता, ना ही कोई मेरी कैपेबिलिटी को समझता है। मुझे ऐसा लगता है जैसे कि मेरी कोई जरूरत ही नहीं है। शायद मैं किसी काम के लायक ही नहीं हूं। मैं बहुत ज्यादा अकेला हूं। मैं अपनी लाइफ से बोर हो चुका हूं। मैं किसी भी चीज में बदलाव लाने के काबिल नहीं हूं। ये सब वो आवाजें हैं जो आज के समय में किसी भी इंसान को उसके आसपास के लोगों से सुनने को मिल ही जाती है। ये सब स्टेटमेंट्स जो अभी हमने आपके सामने रखे, इनमें से बहुत सारे स्टेटमेंट्स के साथ तो आप खुद भी रिलेट कर ही पा रहे होंगे। आपको लग रहा होगा कि मेरी लाइफ में भी तो यही सब परेशानियां हैं। शायद इसीलिए ही एक बार किसी इंसान ने कहा था कि इंसान को सबसे नॉर्मल या फिर कहें कि जनरल चीज वो लगती है जो सबसे ज्यादा पर्सनल होती है। दुनिया में ऐसे बहुत कम लोग हैं जो कि अपने काम में पूरी तरह से इन्वॉल्व हैं और उसको एंजॉय कर रहे हैं। ज्यादातर लोग जो कि किसी ऑर्गेनाइजेशन में या फिर किसी कंपनी में काम करते हैं, उन्हें यही लगता है कि उनके ऊपर बहुत ज्यादा प्रेशर है, उनसे काम ज्यादा करवाया जाता है और उन्हें उस प्रकार से सैलरी नहीं दी जाती जितना वो डिजर्व करते हैं। आइए नजर डालते हैं कुछ ऐसे आश्चर्य करने वाले फैक्ट्स पे जो कि आपको सोच में डाल देंगे। क्या आपको पता है कि किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में काम करने वाले सभी लोगों में से सिर्फ 37% लोग ऐसे होते हैं जिनको ऐसा एहसास होता है कि वो जहां काम कर रहे हैं उस ऑर्गेनाइजेशन का गोल क्या है। 5 में से सिर्फ एक ही इंसान ऐसा होता है जो अपनी टीम या फिर अपने ऑर्गेनाइजेशन के गोल को लेकर उत्साहित रहता है। दुनिया में जितने लोग काम कर रहे हैं उनमें से सिर्फ 50% लोग ही हफ्ते भर में काम करने के बाद अपने काम में सेटिस्फाई रहते हैं। सिर्फ 15% लोगों को यह भरोसा रहता है कि वो जहां काम करते हैं वहां पर वो दूसरों के ऊपर भरोसा कर सकते हैं। सिर्फ 20% लोग दुनिया में ऐसे हैं जो कि अपने काम करने वाली जगह पर पूरी तरह से भरोसा करते हैं। अब शायद आपको इस बात का एहसास हुआ होगा कि इंसान ने पिछले कुछ सालों में ना जाने कितनी नई टेक्नोलॉजी इजाद की है, लेकिन आज भी ज्यादातर लोग अपने काम करने के तरीके और अपनी ऑर्गेनाइजेशन से खुश नहीं है। लोग अपने काम को लेकर एक्साइटेड फील ही नहीं करते। लोग अपने काम से पूरी तरह से फ्रस्ट्रेट हो चुके हैं। दुनिया काफी तेजी से बदल रही है। आज के समय में इंसान अपनी पर्सनल और प्रोफेशनल लाइफ में जो भी चैलेंज या परेशानियां फेस करते हैं वो अलग तरीके की होती हैं। साल 1989 में एक किताब पब्लिश की गई थी, द 7 Habits of Highly Effective People। उस किताब में इंसान के कैरेक्टर और उनकी इफेक्टिवनेस के प्रिंसिपल्स के बारे में बताया गया था। पर आजकल के समय में एक इंडिविजुअल या फिर एक ऑर्गेनाइजेशन के तौर पर सिर्फ इफेक्टिव होना ही काफी नहीं होता। अगर इंसानों को इफेक्टिवनेस से आगे बढ़ना है और इस बदलती दुनिया की जरूरतों को पूरा करना है तो उसके लिए जरूरी है कि हमें कठिन से कठिन सिचुएशन में सरवाइव करना आता हो और उनसे लड़कर जीतना आता हो। आखिर हमें 8वीं हैबिट की क्या जरूरत है? इस सब के लिए हमें डिवेलप करनी होगी एक 8वीं हैबिट। ये हैबिट है अपने अंदर की आवाज को सुनना और साथ ही साथ दूसरों को इंस्पायर करना कि वो भी अपनी आवाज को सुने। हमारे अंदर की जो आवाज होती है उसमें इंटेलिजेंस और होप की कोई कमी नहीं होती। आज की फ्रस्ट्रेशन से भरी लाइफ में ये आवाज हमारे लिए सुकून का काम कर सकती है। ये जो किसी इंसान के अंदर की आवाज होती है वो उस इंसान के टैलेंट, जरूरतों और पैशन से बनके निकलती है। आइए एक एग्जाम्पल से इसको समझने की कोशिश करते हैं। मोहम्मद यूसुफ, जिन्होंने बांग्लादेश में ग्रामीण बैंक की शुरुआत की थी, जब उनसे पूछा गया कि उन्होंने अपना विजन किस तरह से डेवलप किया तो उनका जवाब था कि ऐसा नहीं है कि शुरू में मेरे पास विजन मौजूद था। उन्होंने कहा कि अपनी लाइफ में विजन पाने के लिए उन्होंने जरूरतमंद लोगों की तरफ देखा और फिर उन्होंने उन लोगों की जरूरतों को पूरा करने के बारे में सोचा। इसी से उनके जीवन में एक विजन आया
कि उनको बांग्लादेश के गरीबों के लिए कुछ करना है। और फिर इसी तरीके से ग्रामीण बैंक की शुरुआत हुई। ये बैंक गरीबों को छोटे छोटे लोन देती है ताकि पैसों की कमी की वजह से किसी का कोई काम ना रुके। आज के समय में ग्रामीण बैंक बांग्लादेश के 46,000 गांव में काम कर रही है। जब भी आप किसी बड़े लीडर के बारे में पढ़ेंगे तो आपको एहसास होगा कि उन सभी के अंदर की आवाज और उनके अंदर का विजन धीरे धीरे जन्म लेता है। किसी भी इंसान के अंदर विजन तभी डेवलप होता है जब वो अपने आसपास के लोगों की जरूरतों पर ध्यान देता है और उन्हें पूरा करने के बारे में सोचता है। जिस तरह मोहम्मद यूसुफ ने पहले लोगों की जरूरतों को समझा और फिर बाद में उसको पूरा करने के लिए उन्होंने अपने टैलेंट और पैशन की मदद ली। इस बुक समरी में हम आगे जानने की कोशिश करेंगे कि किस तरह से हम अपनी पर्सनल लाइफ और प्रोफेशनल लाइफ में आने वाली परेशानियों को खुद से दूर रख सकते हैं और किस तरह से हम अपनी लाइफ से फ्रस्ट्रेशन को निकालकर सेटिस्फैक्शन प्राप्त कर सकते हैं। चैप्टर 2, हमें समय के साथ बदलना सीखना होगा। पीटर ड्रकर, जो कि हमारे समय के बहुत महान मैनेजमेंट थिंकर हैं, उनके अकॉर्डिंग आने वाले 100 साल में जो हमारे समय के इतिहास के बारे में लिखा जाएगा तो उसमें टेक्नोलॉजी या इंटरनेट या फिर ई कॉमर्स की बात नहीं होगी, बल्कि उस इतिहास में जो सबसे बड़ी और सबसे जरूरी चीज होगी वो होगी इंसानों की परिस्थितियों में आए बदलाव की। इतिहास में ऐसा पहली बार हो रहा है कि इंसानों को खुद को मैनेज करना पड़ रहा है और इंसान इस चीज के लिए बिल्कुल भी तैयार नहीं है। जरा इतिहास में पीछे जाइए और खुद को एक शिकारी की तरह इमेजिन करिए। अगर आप एक शिकारी होते तो आपको सुबह सुबह शिकार पर जाना होता और अपने परिवार के लिए खाने की व्यवस्था करनी पड़ती। उस समय इसके अलावा आपको किसी और चीज के बारे में कोई जानकारी ही नहीं हो रही होगी। अब जरा सोचिए कि कोई दूसरा व्यक्ति ऐसी कंडीशन में आपके पास आता है और आपको किसान बनने के लिए मजबूर करता है, तो इस चीज को लेके आपका रिस्पॉन्स क्या रहेगा? आप देखेंगे कि एक किसान के तौर पर वो इंसान पहले जमीन पर हल चलाता है, उसके बाद बीज डालता है और इतनी मेहनत के बाद भी उसको कुछ हासिल नहीं होता। इसके बाद वो बीज को पानी देता है और कुछ दवाओं का छिड़काव करता है, उसके बाद भी काफी समय तक उसको कुछ हासिल नहीं होता। लेकिन आप क्या देखते हैं कि कुछ समय बाद उस किसान की खेती तैयार हो जाती है। तब आपको एहसास होता है कि एक किसान होना एक शिकारी होने से 50 गुना ज्यादा फायदेमंद है। किसान अपनी मेहनत और लगन से इतने पैसे कमा लेता है कि वो अपने बच्चों को स्कूल भेज सकता है और उनको अच्छी नॉलेज दे सकता है, जबकि एक शिकारी के तौर पर आप मुश्किल से ही अपना जीवन यापन कर पा रहे थे। इन सब चीजों को देखते हुए आप भी किसान बनने की ओर निकल पड़ते हैं। फिर उसके बाद आप अपने बच्चों और उनके बच्चों को भी एक किसान के तौर पर जीने की सीख देते। बिल्कुल यही हुआ था जब इतिहास में शिकारियों की संख्या घट गई थी और किसानों की संख्या बढ़ने लगी थी। कुछ समय बाद आती है इंडस्ट्रियल एज, यानी कि वो समय जब इंसान फैक्ट्री का निर्माण करता है और चीजों का प्रोडक्शन करने के अलग अलग तरीके सीखता है। देखा जाए तो इंडस्ट्रियल एज में इंसानों की प्रोडक्टिविटी किसानों से 50 गुना ज्यादा होती है। जब आपको यह नजर आता है कि कोई इंसान नए तरह से चीजों को सीखकर आपसे ज्यादा कमा रहा है तो लाजमी है आपको जलन तो होगी और आप ये भी चाहेंगे कि आप भी उसी की तरह बन पाए। अब आपके मन में भी एक ही सवाल आ रहा होगा कि इस इंडस्ट्रियल एज में सफल होने के लिए आपको क्या करना होगा। ऐसे समय में सफल होने के लिए आपको जरूरत होती है एक नए स्किल सेट की और सबसे जरूरी एक नया माइंडसेट। ये जानना भी काफी अहम है कि इंडस्ट्रियल एज के दौरान 90% किसान किसानी छोड़कर फैक्ट्री की तरफ मुड़ गए। अब समय आ रहा है जब इंसान धीरे धीरे इंफॉर्मेशन नॉलेज वर्कर एज की तरफ बढ़ रहा है। ऐसा अनुमान लगाया जा रहा है कि इस दौरान इंसान इंडस्ट्रियल एज से भी 50% ज्यादा प्रोडक्टिव हो जाएगा। हर ऑर्गेनाइजेशन के लिए नॉलेज वर्कर्स बहुत ज्यादा अहम होते हैं। नॉलेज वर्कर्स से हमारा मतलब उन लोगों से है जो कि किसी भी चीज की अच्छी और उच्चतम नॉलेज रखते हैं। किसी भी ऑर्गेनाइजेशन को इन्वेस्टमेंट के लिए ऐसे लोगों की तलाश होती है जिनके पास नॉलेज का भंडार हो। ऐसे लोग फोकस और क्रिएटिविटी को अपने साथ लेकर आते हैं। आजकल बेरोजगारी अपने चरम पर है। बेरोजगारी इस समय सबसे हॉट पॉलिटिकल मुद्दा बना हुआ है। लेकिन एक बात आप आज समझ लीजिए कि ये जो बेरोजगारी बढ़ती जा रही है उसकी जिम्मेदारी सिर्फ गवर्नमेंट की नहीं है। ये जो हम इंडस्ट्रियल एज से नॉलेज वर्कर एज में शिफ्ट हो रहे हैं ये इसका कारण है कि बेरोजगारी बढ़ती जा रही है।
अगर हमें आने वाले समय में सफल होना है तो उसके लिए जरूरी है कि हम एक नया माइंडसेट डेवलप करें और वो स्किल सेट अपनाएं जिसकी हमें जरूरत पड़ने वाली है। आप आज खुद से ये सवाल करिए कि आने वाले समय में अगर आपको और आपकी ऑर्गेनाइजेशन को अपनी सफलता कायम रखनी है तो उसके लिए किस किस चीज और किस किस स्किल की जरूरत पड़ने वाली है। इंडस्ट्रियल एज में मशीनों की सबसे ज्यादा जरूरत होती है। मशीनों को ऑपरेट करने के लिए इंसानों की जरूरत पड़ती है। ऑर्गेनाइजेशन को इंसानों के माइंड की जरूरत नहीं होती, क्योंकि उन्हें सिर्फ ऐसे लोगों की जरूरत थी जो मशीनों को अच्छे से ऑपरेट कर सके। इसीलिए इंडस्ट्रियल एज के दौरान इंसान सिर्फ एक चीज बनकर रह गया था। आजकल के मैनेजर इसी चीज को फॉलो करते चले जा रहे हैं। वो नॉलेज वाले लोगों को भी एक चीज की तरह देखते हैं और उन्हें उसी तरह से ट्रीट करते हैं। मैनेजर्स लोगों के पोटेंशियल को और उनकी सही वैल्यू को समझने की कोशिश ही नहीं कर रहे हैं। जब आपके सामने कोई चैलेंज होता है और आप उस चैलेंज के रिस्पॉन्स उसके बराबर एफर्ट लगा देते तो उसी को सक्सेस कहा जाता है। लेकिन अगर एक चैलेंज के बाद दूसरा चैलेंज आपके सामने आता है और आप वही पुरानी वाली स्ट्रैटेजी दोहराते हैं तो फिर एक बात समझ लीजिए कि वो सेम स्ट्रैटेजी काम नहीं आने वाली है। उसी तरह अब नॉलेज वर्कर एज में अगर आप इंडस्ट्रियल एज वाली चीजें करेंगे तो आप अवश्य फेल हो जाएंगे। चैप्टर 3। अगर आप सही समय पर सही आइडिया अप्लाई करते हैं तो उससे पावरफुल कुछ भी नहीं हो सकता। आपको क्या लगता है कि कोई भी व्यक्ति जब कुछ बड़ा अचीव करता है तो उसके पीछे क्या कारण होता है? क्या वो जन्म से ही उतना काबिल होता है? क्या उस व्यक्ति के अंदर पहले से ही टैलेंट होता है? किसी भी व्यक्ति को सफल होते हुए देखने के बाद आपके दिमाग में ऐसे सवाल जरूर आते होंगे, और ये लाजमी भी है। जब भी किसी को सफलता मिलती है तो हर कोई ये जानने के प्रयास में लग जाता है कि आखिर उस व्यक्ति ने वो सब किस तरह से हासिल किया है। किसी भी व्यक्ति की सफलता के पीछे कुछ बहुत अहम कारण होते हैं जिनके बारे में हमें जानना होगा। इस दुनिया में सफल होना उतना आसान नहीं है जितना हम सभी सोचते हैं। अगर किसी इंसान को अपने जीवन में कुछ अलग और कुछ बड़ा अचीव करना है तो उसके लिए सबसे पहले उस इंसान को खुद को बदलना होगा। इंसान को अपना कैरेक्टर, अपना एटीट्यूड बदलना पड़ेगा। इंसान को अपने अंदर पॉजिटिविटी लानी होगी, अपने अंदर कॉम्पिटिशन की भावना डिवेलप करनी पड़ेगी। उसे इस काबिल बनना होगा कि वो अपने साथ साथ दूसरों को भी मोटिवेट कर सके। इंसान को अपने अंदर के टैलेंट और अपने मजबूत पक्षों को पहचानना होगा। कोई भी इंसान यूं ही सफल नहीं होता। सभी की शुरुआत शून्य से ही होती है। आप किसी भी महान इंसान के बारे में पढ़ेंगे तो आपको पता चलेगा कि उस व्यक्ति ने भी पहले छोटे छोटे कदम लिए और उन जिम्मेदारियों को सही तरीके से संभाला जो कि उनको दी गई थी, तब जाके कहीं उनको सफलता मिली। जब कोई व्यक्ति छोटी छोटी जिम्मेदारियों को सही तरीके से हैंडल करता है तो फिर वो दूसरों का भरोसा जीतने में कायम होता है। और अगर सामने वाला व्यक्ति आपके ऊपर भरोसा करेगा तभी वो आपको बड़ी जिम्मेदारियां देगा। बड़ी जिम्मेदारी ही आपको बड़ा बनाती है। अगर आप उन जिम्मेदारियों को सही तरीके से सफलतापूर्वक हैंडल करते हैं तो दूसरे व्यक्ति का भरोसा आपके ऊपर और भी ज्यादा मजबूत होता है। ऐसे व्यक्तियों में एक खास बात होती है कि ये लोग कभी छोटी छोटी चीजों की वजह से अपने टारगेट से भटकते नहीं है। ये लोग एकदम फोकस्ड होते हैं। अब आपके मन में ये सवाल आ रहा होगा कि किस तरह से कोई भी व्यक्ति ये एटीट्यूड डेवलप कर सकता है कि उसको किसी नेगेटिव चीजों से फर्क ही ना पड़े और वो अपने गोल पर पूरी तरह से फोकस रह सके। जब आप अपने अंदर के टैलेंट और स्ट्रेंथ को पहचान लेते हैं तब आपको इस बात का एहसास होता है कि आप जिन चीजों को लेकर परेशान होते हैं वो चीजें ऐसी ही हैं जिन पर आपको ज्यादा ध्यान देना ही नहीं चाहिए। अपने आप को जानने के बाद आपको ये साफ नजर आने लगता है कि कौन सी चीजें आपके और आपके गोल्स के लिए जरूरी हैं और कौन सी चीजें ऐसी हैं जो आपको आपके टारगेट से दूर ले जाने का प्रयास करती हैं। जब आप खुद को अंदर से पूरी तरह से जान लेते हैं तब आप अपने विजन को पहचान पाते हैं और उसके बाद ही आपके अंदर कुछ बड़ा अचीव करने की हिम्मत पैदा होती है। आप ऐसी चीजें करने लगते हैं जो कि आपके टैलेंट के साथ मेल खाती हैं। कम शब्दों में कहें तो आप अपने अंदर की आवाज सुनने लगते हैं और फिर उसके अकॉर्डिंग आप कुछ बड़ा अचीव करने के प्रयास में लग जाते हैं। अगर आपको अपनी लाइफ में कुछ बड़ा अचीव करना है तो उसके लिए ये बहुत जरूरी है कि आप अपने अंदर की आवाज को पहचानें और साथ ही साथ आप अपने साथ काम करने वाले लोगों को भी इस बात के लिए इंस्पायर करें कि वो अपने अंदर की आवाज को सुने और फिर
उसके अकॉर्डिंग ही आगे काम करें। कई बार आपने लोगों को सुना होगा कि हर इंसान के सामने दो रास्ते होते हैं। एक वो रास्ता होता है जो कि ज्यादातर लोग चुनते हैं और एक वो रास्ता होता है जो कि बहुत कम लोग चुनते हैं। यही वो पॉइंट होता है जब आपको डिसाइड करना होता है कि आप कौन से रास्ते पर जाएंगे, क्योंकि नॉर्मल लोग जो होते हैं वो ज्यादा लोगों वाला रास्ता चुनते हैं क्योंकि उसमें रिस्क कम होता है। लेकिन एक बात आपको ध्यान में रखनी होगी, जहां पर रिस्क कम होता है वहां पर कुछ बड़ा अचीव करने के मौके भी आपको कम ही मिलेंगे। और अगर आप कम लोगों द्वारा चुने गए रास्ते की ओर जाते हैं तो आपके पास मौके बहुत होंगे। थोड़ा रिस्क होगा लेकिन आपके पास हर मोड़ पर सफल होने का मौका होगा। हम सभी के अंदर कुछ बड़ा करने का पोटेंशियल मौजूद होता है, बस हमें खुद को अच्छे से जानना है और अपने टैलेंट और स्ट्रेंथ को पहचान कर उसी के साथ आगे बढ़ना है। बहुत से लोग ऐसे होते हैं जो खुद पर डाउट करते हैं कि वो कुछ भी नहीं कर सकते। लेकिन एक बात समझ लीजिए कि अगर आपके अंदर ये एटीट्यूड और ये जज्बा है कि आप कुछ भी अचीव कर सकते हैं तो आपको बड़ा बनने से कोई नहीं रोक सकता। आपको ज्यादा कुछ नहीं करना है, बस दो चीजों पर फोकस करना है। सबसे पहली चीज, आपको अपने अंदर की आवाज को पहचानना है और सही नेचर को पहचानना है। आपको ये जानने की कोशिश करनी है कि आपके पास ऐसा कौन सा टैलेंट है जो जन्म से मौजूद है, और उसके बाद अपने अंदर की आवाज को आपको दुनिया के सामने एक्सप्रेस करना है। एक डिसिप्लिन के साथ आपको अपने विजन पर काम करना है। चैप्टर 4, भगवान ने हमें बहुत सारे ऐसे गिफ्ट्स दिए हैं जो कि हमने अभी तक इस्तेमाल नहीं किए। क्या आपको पता है कि हम सभी के पास बचपन से ही कुछ ऐसे गिफ्ट्स मौजूद हैं जो हमने कभी ओपन ही नहीं किए। हम इस बात से भी अनजान हैं कि वो गिफ्ट हमारे कितने ज्यादा हेल्पफुल हो सकते हैं। भगवान ने हम सभी को न जाने कितने अच्छे और पावरफुल गिफ्ट्स दिए, लेकिन हम कभी उन चीजों पर ध्यान ही नहीं देते। क्या आपको पता है कि दुनिया में जितने भी बच्चे जन्म लेते हैं वो सारे ही सेम लेवल पर होते हैं। उन सभी की इंटेलिजेंस सेम होती है, सब एक बराबर होते हैं। बाद में कौन कितना ज्यादा सफल होता है ये इस बात पर डिपेंड करता है कि कौन अपने आप को सही तरीके से संभाल पाता है। जो भी इंसान अपने अंदर की आवाज को सही तरीके से सुनता है और अपने टैलेंट और स्ट्रेंथ को अच्छे से इस्तेमाल करता है, वही व्यक्ति आगे चल के कुछ बड़ा अचीव कर पाता है। कोई भी बच्चा जब जन्म लेता है तो वो हर काम के लिए किसी ना किसी पर डिपेंड रहता है, लेकिन कुछ ही सालों में जैसे जैसे बच्चे की उम्र बढ़ती है वो जिम्मेदारियां लेना सीखता है और खुद को ताकतवर बनाता है। कोई भी इंसान जितना ज्यादा अच्छे से अपने टैलेंट को इस्तेमाल करता है उसकी काबिलियत उतनी ही ज्यादा निखर कर बाहर आती है। आइए जानने की कोशिश करते हैं कि वो कौन से गिफ्ट्स हैं जो कि भगवान हमें हमारे जन्म के साथ ही देता है। सबसे पहला गिफ्ट ये होता है कि हमारे पास किसी भी चीज को चुनने के लिए आजादी और ताकत होती है। दूसरा गिफ्ट होता है कुछ प्रिंसिपल और कुछ नेचुरल लॉ जो कि सभी के लिए सेम होते हैं और वो हमेशा सेम रहते हैं। तीसरी चीज होती है हमारी समझदारी, या फिर कहें इंटेलिजेंस, मेंटल इंटेलिजेंस, इमोशनल या सोशल इंटेलिजेंस, फिजिकल इंटेलिजेंस और स्पिरिचुअल इंटेलिजेंस। कोई भी इंसान कभी इस बात से नहीं घबराता है कि वो अपनी लाइफ में कुछ बड़ा अचीव नहीं कर सकता, बल्कि वो इस बात से घबराने लगता है कि वो अपनी लाइफ में कुछ ज्यादा बड़ा अचीव करने के बाद उसको संभालेगा कैसे। जैसे कि कभी आप किसी को देखते हैं और ये सोचते हैं कि मैं इसकी तरह कभी नहीं बन सकता। आखिर आप क्यों नहीं बन सकते? क्यों आप भी किसी महान व्यक्ति की तरह वो सभी चीजें हासिल कर सकते जो उसने की हैं? हम सब भगवान के ही तो बच्चे हैं। जो कैपेबिलिटी दूसरे लोगों में है वही कैपेबिलिटी हमारे अंदर भी है। हमें जो सबसे बड़ा गिफ्ट मिला है वो ये है कि हमारे पास चुनने की आजादी है। अगर आप ध्यान से इस बुक के बारे में जानेंगे और समझेंगे तो आपको एहसास होगा कि इस बुक में